أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well. And I know you must be enjoying this PSL season. Janab, abhi match ho raha hai, eliminator one match hai, between Quetta Gladiators and Islamabad United. And Islamabad United, Janab, they have scored 174 on the loss of 9 wickets. And now we have gotten Quetta Gladiators, Janab. They are on 10. 10 on 2 with the loss of 2 wickets, Janab. Hamare saamne 2.1 over ho chuke hain. Aaj ki agar main jaldi se aapko highlight bata doon, to Janab, hua kuch aisa. कि आज गुप्ते लाए बिकॉज ऑफ कोर्स कोलिन मुंड्रा हैज बीन यू नो ही हैज बीन इंजर्ड और इंजरी की वजह से वो आज नहीं हिस्सा बन पाए प्लेइंग 11 का लेकिन मार्टिन गुप्ते राज आए हैं इंपैक्टफुल इनिंग खेली है जनाब 56 ऑन 47 उसके बाद एक हैंड्री कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आती है हेल्स सलमान शादाब एंड आजम खान की जानब से नो बडी एल्स has actually capitalized their innings lekin guptil ki jo contribution hai aur baki jo hamare one down two down batters ki jo innings hai unhone bada acha score de diya so it is 174 on 9 lekin surat-e-haal kafi tricky hai kyunki Quetta Gladiators aaj aise perform kar rahe hain aise kal Peshawar Zalmi perform kar rahe the janab bilkul abhi is waqt situation kuch aisi hai ki teen wickets gir chuki hain 10 runs pe I don't know what are they up to because Quetta ने जो अपनी करवाई है बॉलिंग वो अच्छी करवाई मोहम्मद आमिर जनाब आज 5.00 उनकी इकॉनमी रही है दो विकेट लिए कमेंटेटर बात कर रहे थे कि क्या ये वर्ल्ड कप 2020 का हिस्सा बनने जा रहा है यानी कि हम बात करें ओडिया वर्ल्ड कप की T20 जो शोर मच रहा है आज भी मोहम्मद आमिर का मच रहा है सो ये कितनी पॉजिटिव बात है कितनी नेगेटिव है बिकॉज वी हैव गॉटन शाहीन वी हैव गॉटन जमान खान और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन ऑन द अदर हैंड ही इज परफॉर्मिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट वेलकम करते हैं हमारे शानदार पैनलिस्ट को आई हैव बीन जॉइंड हियर बाय टू फॉर्मर क्रिकेटर एक तरफ हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन द बैटिंग लाइनअप के बैकबोन वेलकम करते हैं मिस्टर सलीम मलिक साहब को अस्सलाम वालेकुम जी हाउ आर यू डूइंग अस्सलाम वालेकुम सारा कैसी हैं आप आई एम गुड एंड यू लुक गुड थैंक यू सारा जनाब जहां ये बात है वहां पे हमें डिस्कशन शुरू हो चुकी है ना आप मोहम्मद आमिर की ये पेसर्स की तो वेलकम करेंगे हमारे पाकिस्तान के टेस्ट का बहुत बड़ा नाम लेट्स वेलकम अब्दुल रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जेंटलमैन क्या बात है आज तो हम अर्दी टोन्स में चल रहे हैं वहां पे जनाब आपको बेज नजर आ रहा है यहां पे ग्रे यहां वाइट क्या बात है आई एम लविंग द कॉम्बिनेशन हैविंग सेड दैट व्हाट हैज हैपेंड टू Quetta Gladiators सर ये क्या है ये एलिमिनेटर राउंड है कोई बताए इनको जाके देखिए आपको पिछले मैचों में भी बताया था कि जो पहली इनिंग में फायदा उठा गया मेरा ख्याल ये पहला मैच है जिसमें इस्लामाबाद ने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की उसकी रीजन ये थी अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं मैं आपको हमेशा कहता था कि यहाँ फिंगर स्पिनर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होएगा रादर लेग स्पिनर जी क्योंकि आप आज के मैच में भी देखें अगर उस उस्मान तारिक को सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ है 40 जी तो ये चीज़ें जो है ना ये मुझे नहीं समझ आती कप्तान को क्यों इस चीज़ पे नहीं आती काम क्यों नहीं करते अकील को देखें 4 ओवरों में 34 हुए 2 आउट भी किए उसने और सबसे बेहतर बॉलिंग जो की वो आमिर ने हम हमेशा कहते हैं अगर देखें इनके टॉप पहले 5 प्लेयर्स देख लें उनको 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है और उसके बाद अगर आप देखें अगर थोड़ा सा बेहतर खेलते अगर क्वेटा वाले इस्लामाबाद वाले तो ये शायद 200 से ज़्यादा स्कोर कर जाते आप नीचे वाले देखें 6 प्लेयर्स ने किसी ने डबल फिगर में भी नहीं किया बल्कि लास्ट ने तो 2-0 किए हैं तो ये आमिर ने जो आखिरी ओवर्स में भी देखें बड़ा कंटेन किया उसने स्कोर नहीं होने दिया तो बात यह है कि यहाँ हमेशा पावर गुप्टिल सबसे अच्छा उसकी इनिंग है इस हालांकि पहला मैच मेरा ख्याल खेला पहला इससे पहले आके इतनी बड़ी इनिंग खेलना मेरा ख्याल है कि उस सारा क्रेडिट गुप्टिल को जाता है कि उसने फाउंडेशन इतनी अच्छी रख दी है कि अब इस्लामाबाद क्वेटा को तो मेरा ख्याल वो शायद वो मुझे लग रहा है 130 भी नहीं होना इनसे क्योंकि उनके पास जो पैनिक कर गए ना पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं 174 यहाँ 165 नहीं हो रहा और 174 तो मेरा नहीं ख्याल कि आज ये कुछ कर पाएंगे जनाब मार्टिन गुप्ते ने रिप्लेस किया है कोलिन मुंड्रो को बिकॉज ऑफ कोर्स वो ठीक नहीं थे लेकिन सर क्या रिप्लेस किया है मतलब ये होती है ना इनिंग के मजा ही आ जाए आपको जहाँ ये बात हो रही है वेलकम टू यू क्योंकि देखिए जी T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग एंड एज आई मेंशन अर्लियर कि ओडिया वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे ट्रेंड शुरू हो गया था मोहम्मद आमिर को वापस लेके आए और अब कमेंटेटर्स आज बात कर रहे थे कि क्या
उनकी इंक्लूजन बनती है, क्योंकि जो हालात हैं, वाकियात हैं पूरे टूर्नामेंट में देखिए ना, बीन इकोनॉमिकल, मतलब कुछ माइनस फ्यू मैचेस जहां पे कंसीड किए रन, अदरवाइज विकेट्स लेना, किस तरह विकेट्स लेते हैं, किस तरह से उन रन को रोकते हैं, दिस गाय शोरली नोज इट. सो आर वी गोइंग टू हैव हिम इन द टी20 वर्ल्ड कप? आपको लगता है कि वो दोबारा आ सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं आप, असल में आप प्रॉब्लम आमर का नहीं है अच्छी बॉलिंग का, प्रॉब्लम जो दूसरे बॉलर्स हैं उनकी कंसिस्टेंट बैड परफॉर्मेंस का. आप देखें कि उनके साथ मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहे हैं, जो 4-5 साल से पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा है और हर मेजर टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं. 3 ओवर्स में 40 रन, ना उनसे कोटा मुकम्मल हुआ है और उसके बाद उनकी जो इकानमी है 13.99 है, यानी कि ऑलमोस्ट 14 की है. इसी तरह जमान खान की है, इसी तरह शाहीन अफरीदी स्ट्रगल कर रहे हैं. एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए कि नसीम शाह दोबारा फिट होकर वापस आए हैं. थोड़ी सी पेस उनकी ज़रूर रिड्यूस हुई है, मगर उन्होंने बेहतर लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करना शुरू कर दी है, तो इसलिए एक आमर के पास एक वाइटल चांस बन गया, क्योंकि जितने बाकी बॉलर हैं सबके सब सफ़र कर रहे हैं. तो आमर कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कंसिस्टेंटली जितनी भी पिचेज हैं, यानी कि मुल्तान में उसने अच्छी बॉलिंग की, फिर लाहौर में, पिंडी में और कराची में, जहाँ पे बाकी सब पेसर्स ने सफ़र किया वहाँ पे उनकी जो लाइन एंड लेंथ है और जो बॉलिंग है वो एक्सेप्शनली वेल है, बाकी सबसे बहुत आगे है. तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेट अगर आप टी20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो इस बॉलिंग अटैक के साथ तो आप नहीं जा सकते जिस जो जमान खान, वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी या बाकी हैं, क्योंकि हर दूसरे मैच में आपको 4 ओवर में 48 रन 50 रन कंसीड हो रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि इसलिए डेफिनेट जो सिलेक्टर्स है वो देख रहे हैं. रऊफ, इसका मतलब हम वापस जाएंगे बजाय आगे जाने के? ये तो फिर आप देखो ना, अगर आमिर सिलेक्ट करते हैं तो फिर तो आप वापस जा रहे हैं. अच्छा, इसको हमें डिस्कस करना है क्योंकि देखिए बड़ा सीरियस मामला है, टी20 वर्ल्ड कप इज कमिंग और हमारे पास कोई नहीं है जो थ्रेट हो बैटर्स के लिए, लेकिन इस वक्त कोई थ्रेट है तो आई थिंक मोहम्मद आमिर के. लेकिन क्या हम वापस जा, हमें वो कहते हैं ना मूव ऑन करना चाहिए, हम मूव ऑन नहीं कर रहे, हम स्टेप बैक कर रहे. Keep watching PSL Hangama and we will be adding your questions. Keep sending your messages on Sara Baloch official. मैं बनूंगी आपकी आवाज. Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janaab, the news is that Quetta Gladiators, they have truly lost their 5 wickets just on 16 runs. Janaab, 4.3 overs. Hai. Ye kya news hai ye? I don't know. Quetta Gladiators ki baat kare, Peshawar Zalmi ki baat kare. ये जो इनके अहम मैचेस हैं, क्रूशियल मैचेस, इनके डू और डाई सिचुएशन वाले मैचेस हैं, उसमें दे आर अनेबल टू परफॉर्म. सर, आई कम टू यू, व्हाट्स रॉन्ग विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स? क्या फायदा विकेट लेने का? ये मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, इनको क्या हुआ आज? देखें, जब स्कोर बोर्ड पे लगा होता है ना तो फिर पैनिक बटन दबता ही जाता है. अब आप देखें, उन्होंने किसी बंदे ने अभी तक ये कोशिश नहीं करा कि यार 2 विकेटें गिर गई, ये पार्टनरशिप ही लगाएं. कुछ तो वो आप पढ़ने कोशिश तो करते हैं ना, आपका इंटेंट शो नज़र आता है कि यार आप मैच जीतने की तरफ जाएंगे, तो कुछ छोटी छोटी पार्टनरशिप जो हमेशा आप हम कहते हैं कि आप कोशिश तो करें ना, आपकी कोशिश नज़र आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं 1 ओवर में 20 रन कर दूं, वो होने नहीं इस विकेट पे, स्पिन विकेट पे कहाँ होएंगे. आपको बड़ा स्मार्टली खेलना पड़ना था, आपको सिंगल दुक्कों पर जाना पड़ना था, क्योंकि बॉल देखें आज अमाद को भी अगर आप देखें तो वो फ्लाइट बॉल का है और उस पर हिट मारना बड़ा मुश्किल है शॉट. आपको तेज बॉल अब कोई नहीं करेगा, उसके लिए बड़ा आपको स्मार्ट खेलना चाहिए था. जो मुझे इस्लामाबाद ने बैटिंग की है, बड़ी कैलकुलेटेड बैटिंग की है, क्योंकि जो उनके ओपनर्स थे मंद्रो, जिस तरह अनफिट हो गए थे, उनको रिप्लेस किया था गुप्टल ने. और गुप्टल और हेल्स बड़े सीजनल कंपेनर हैं, काफ़ी अर्सा हो गया उनको यहाँ पर लीग्स वगैरह खेलते हुए, और वो बड़ा उनको आइडिया है यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं किस तरह खेलते हैं. तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक अपना पार्टनरशिप बिल्ड की अर्ली ऑन और एक अच्छा स्टार्ट दिया 50 रन का. उसके बाद जो बाकी बैट्समैन थे, जिस तरह आगा सलमान भी इनफॉर्म था, शादाब भी और आजम खान भी, इन्होंने उसको कैप्टिलेट किया और इस तरह इनका स्कोर चला गया 174. उसमें एक्सेप्शनल बॉलिंग की है मोहम्मद आमर ने, आखिरी 2 ओवर में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ, 10-12 रन बने हैं, मगर उसके बावजूद बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गए. अब ये क्वेटा के पास एक ही था तरीका कि वो उसको चेज कर सकते थे, अगर इनके दोनों ओपनर्स जिसमें रोसो है और उसके बाद जेसन राय और सऊद शकील,
क्योंकि साउथ शकील इस टूर्नामेंट के जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से एक है और वो परफॉर्म करता आ रहा है। अगर वो खड़ा होता जैसन राय के साथ और इनकी एक पार्टनरशिप डेवलप हो जाती 60-70 रन की, तो फिर मे बी के इस टारगेट के पास वो जा सकते थे, मगर इन्होंने अपनी वही रूटीन जारी रखी कि वो इन्होंने अर्ली ऑन शार्ट्स खेली, स्लिप में कैच पकड़े गए, स्पिनर्स पे अर्ली चार्ज किया और पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सके ये, तो उसका इनको ये अब नुकसान मेरा ख्याल है कि एक बड़ी डिफीट की सूरत में इनको भुगतना पड़ेगा। मगर रऊफ ये देखें, गुप्टल को क्रेडिट देना चाहिए, उसने अपना पहला मैच खेला है इस टूर्नामेंट में अभी तक, और ये जैसन रॉय और रोसो जो थे ये तो थ्रू आउट लीग्स खेल रहे हैं, इनको हमारी कंडीशन का भी पता है, तो उसके बावजूद ये पिछले कई मैचों से ये स्कोर नहीं कर पा रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये या तो बैड पैच है या उनको समझ नहीं आ रही। आप देखें ना, एक बंदा पहला मैच आगे खेलता है इसी पिच पे जो मुश्किल तरीन पिच है गुप्टिल, और वो 50 करता है, और हेल्स भी स्ट्रगल कर रहा था मगर उसने साथ थोड़ा बहुत साथ तो दिया। मगर इनमें एक चीज़ अच्छी थी कि आप देखें जितने ये पहले 5 प्लेयर हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थोड़ा थोड़ा, किसी ने 20 किया है, किसी ने 25 किया है, तो इसीलिए जब आप टीम एफर्ट नज़र आती है ना तो आप स्कोर करते हैं। अब आप इनको अगर कंपेयर करें क्वेटा के साथ, तो क्वेटा के तो पहले ही 5 ओवरों में किसी ने इंटेंट शो ही नहीं किया कि यार हमने मैच जीतने के लिए जाना है, आप आगे ऊंची इटे मारे जा रहे हो, आउट हुए जा रहे हो, जो हम बार बार कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जितनी देर पार्टनरशिप नहीं लगेगी आप कभी मैच नहीं जीत सकते, आप अंदर से ही हारे हुए आए हैं ना, आके आपने कोई प्लान नहीं, आपको देखें जैसे रऊफ बात कर रहे हैं कि पिछले 3-4 मैच इनके बहुत बुरे गए हैं, तो आपको बैठ के प्लान करना चाहिए था कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको अपने प्लेयर्स को बताना चाहिए था कि यार आप जाके पैनिक बटन दबा देते हो, आप ऊंची ईंटें मार के आउट होते हो, जाके आप एक पावर प्ले तो निकालो, 6 ओवर्स तो एटलीस्ट आप लेके चलो, टीम को विकेट नहीं गिरेगी, विकेट से एंड होगी, तो हम शायद ये स्कोर जो है वो हम कर सकते हैं। मगर आपने किसी बंदे ने ये नज़र ही नहीं आया, वो आके पहले 6 ओवरों में 5 विकेटें गिर जाएंगी, तो ये तो मेरा ख्याल है ऐसी प्लानिंग तो शायद कोई लोकल टीम नहीं करती। अच्छा, इस पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ कि देखें कि शेन वॉटसन इसी डगआउट में बैठे हुए हैं और वो क्वेटा के कोच भी हैं, और ये कुछ चौथा फेलियर है बैटिंग में उनका, और शेन वॉटसन की बात चल रही है कि उसको पाकिस्तान $2 मिलियन में साइन कर रहा है $2 मिलियन में उसको साइन कर रहा है एज ए हेड कोच पाकिस्तान टीम का। वो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम साथ लेके आएगा, और मेरा ख्याल है कि ये नहीं अकेले आएंगे, और उसके बाद एक ऐसा एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, मेरा ख्याल है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो मेरा ख्याल है कि ये एक लॉटरी है कि आपने ताज़ा ग्रेजुएशन की हो और आपको इतनी बड़ी बगैर किसी एक्सपीरियंस के एक आपकी लॉटरी लग जाए। ये तो मेरा ख्याल है कि शेन वॉटसन के साथ वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है, क्योंकि ना तो इनका एक्सपीरियंस है, ना मैंने कभी इनको ऑस्ट्रेलियन डगआउट में देखा, ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग करते पहली दफ़ा इनको देखा कि ये कोटा की एक फ्रेंचाइज है उसकी कोचिंग कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी आपके सामने आ रहे हैं, और वहाँ पे फिर इनको इतनी की जा रही है, या तो ये रमज चाह रहे हैं हमारे मीडिया में करना चाहिए कौन कॉन्टैक्ट करवा रहा है। अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है, बट लाइक सी जना PSL ख़त्म होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पे आएंगी, एंड देन यू नो वी विल बी हैविंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूज़। लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जनाब 5.4 ओवर यानी कि पावर प्ले भी तक चल रहा है और 23 रन जो है उन्होंने स्कोर किए हैं कोरिया ग्लैडिएटर्स ने, ऑन द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, नॉट अ गुड न्यूज़। बट लेट्स सी, उमेर यूसुफ इज ऑन द पिच राइट नाउ, अकील हुसैन उनका साथ दे पाएंगे क्या, ये दोनों और तो कोई कुछ नहीं कर सका, क्या ये दोनों पार्टनरशिप बरकरार रख पाएंगे या नहीं, की वॉचिंग PSL हंगामा, वापस आएंगे एंड विल हैव अ डिस्कशन ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड्स बॉलिंग यूनिट, की वॉचिंग PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL, and refreshed by Coke. Jannab, the news is on 8.2 overs, Kolkata Gladiators, they have scored 50 on the loss of 5 wickets. Jab baat karenge itna Islamabad ke Imad Wasim ki impressive innings by him, main chahungi agar meri team wo highlights dikha de kis tarike se Imad Wasim ne aaj 3 wickets li, economy jab 3 ki maintain ki hai unhone, 9 runs diye hain. I'll come to you gentlemen, how do you see Imad Wasim? Kuch matches mein inko overs bade kam diye, uske baad jaise jaise ye khelte gaye inki economy behtar hoti gayi, wickets lete rahe aur aaj 3 wickets le li hain unhone, so what's your take on it?
देखें थोड़ा सा जो अर्ली पार्ट था उसमें इन्होंने स्ट्रगल जरूर किया, मगर उसके बाद जैसे जैसे ये रिदम में आते गए और स्पेशली जिस तरह मैचेस कराची शिफ्ट होते गए, जो कि एक कराची की पिच स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल थी, तो वहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस था बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई। लास्ट मैच में भी अगर देखें तो 4 ओवर्स में इन्होंने 16 रन्स दिए और 1 विकेट ली, तो आज तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल इन्होंने बॉलिंग कर दी है और मेरा ख्याल है कि एक क्वेटा की टीम को तो इन्होंने बिल्कुल क्रश करके रख दिया, 3 विकेटें ले ली अर्ली ओवर्स में। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा तो इनकी जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस है उसमें भी बेहतरी आई और कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो गई। नहीं यार रऊफ, असल चीज़ ये थी कि उसको ओवर्स ही नहीं करवाए गए, कप्तान ने उसको अच्छी तरह यूज़ ही नहीं किया, उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रखा, उसको 1 ओवर करवाया उसके बाद उसको ओवर नहीं करवाए, फिर 2 ओवर करवाए फिर उसके बाद ओवर नहीं करवाए। बात यह है कि वो एक मेन बॉलर था इनका, इनके पास तो वैसे ही स्पिनर खुद वो खुद अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था ना, अगर आप देखें स्ट्रगल कर रहा था, पीछे बॉल गिरी थी आगे गिर रही थी और कट खा रहा था, तो जो वो उसको लूप दे के बॉल करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल उसको यूज़ ही इन्होंने प्रॉपर नहीं किया गया। आज चूँकि उससे बॉलिंग करवाई गई, ये 4 ओवर देखो ना, आज उसको पहली दफ़ा उसको अच्छा इन्होंने यूज़ किया है। तो ये कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है रऊफ़, कि यार आप किसी भी आप भी खेले हो, अगर जब तक एक कैप्टन का आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। आप हमेशा मैं कहता हूँ बनाने में और ख़राब करने में कप्तान का बड़ा रोल होता है। आप देखें ना उसका तो कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है उसने बहुत अच्छी किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि उसके बावजूद कि 1 ओवर और 2 ओवर करवाए जाएँ, वो तो बिल्कुल ही वैसे ही मेंटली वो ये सोच रहा होगा ना कि कप्तान तो मेरे पे बिल्कुल रिलाय कर ही नहीं रहा। तो मेरे ख्याल ये उसको क्रेडिट है कि चलो उसने अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी मेरे ख्याल ये मैं हमेशा कहता हूँ कि फिंगर स्पिनर जो है वो इन विकटों पे, कराची की विकटों पे फिंगर स्पिनर ज़्यादा कामयाब है बजाय रिस्ट स्पिनर से। आज उस्मान को देख लें, उसने सबसे ज़्यादा स्कोर दिया, उसकी रीज़न ये है कि उसका कंट्रोल ही नहीं हो सकता, क्योंकि लेग स्पिनर या तो आउट क्लास किस्म का लेग स्पिनर हो अदरवाइज उसको मार पड़ेगी। या विराट को भी देखें और उसको देखें, जो फिंगर स्पिनर होएगा वो इन विकटों पे अच्छी बॉलिंग करेगा। आज अभी आप खुद कप्तान को भी देख लें, उसको भी मार पड़ी है थोड़ी सी। उसकी रीज़न ये है कि ये लेग स्पिनर की विकटें या तो बहुत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करें, जैसे उसामा ने इम्प्रूव किया है लेग स्पिन फ्लाइट करके कर रहा है, तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं। और मेरे ख्याल अहमद ने तो कमाल ही कर दिया, वैसे भी प्रेशर था दूसरी टीम पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सर जहाँ प्रेशर की बात हो रही है वहाँ पे मैं दोनों की बात करूँगी। एक तरफ जनाब इस्लामाबाद के जो कोच हैं माइक हेसन, उन्होंने ये बात कही कि देखिए हमारी जो टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है वो इसलिए बहुत बेहतर है क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके से अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है, एंड दैट इज़ वाई आपको एक इम्पैक्ट नज़र आया। ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बैट्समैन बेहतरीन है लेकिन पावर हिटिंग पर काम होने की ज़रूरत है, एक ये चीज। फिर शादाब का ये कहना था कि देखें टेक्निकल इश्यूज मेरे हैं और मैंने वो सीख ली और उनकी निशानदेही हो चुकी है। और आज जनाब 26 रन कंसीड किए हैं 2 ओवर्स में 13 की इकोनॉमी बरकरार रखते हुए, तो ये उन्होंने निशानदेही की। सर वेलकम टू यू। देखें ये तो अच्छी बात है अगर निशानदेही होगी है, अगर 6-7 साल के बाद किसी की निशानदेही हो जाए और वो इम्प्रूव कर जाए तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मगर बात ये है कि जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमने यंगस्टर्स को खिलाया, किसको? हैदर अली को। उसके अलावा तो बाकी जो बेंच पे बैठे हैं उनमें से जो एक यंगस्टर है उसको तो खिलाया ही नहीं उन्होंने, पिछले कई सीज़न गुजर चुके हैं। तो आप किसको खिला रहे हैं, आप किन यंगस्टर को चांस दिया आपने? हैदर अली को, वो फहीम को, और कितने लोगों को आपने चांस दिया? ये गलत बात कर रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा यंगस्टर खिलाए हैं। हुनैन को खिलाया, चलो मान लेते हैं कि वो एक अंडर 19 से आया था, वो उसको एक चांस दिया। उसके अलावा तो आपने हैदर अली के अलावा तो किसी को खिलाया ही नहीं, और हैदर अली तो लगता है ना पता नहीं जेजी जी लेके आए ने। और सर जहाँ उन्होंने ये बात भी की है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया, तो इमाद वसीम को तो आपने बहुत ही कम खिलाया ना, फिर ये भी बात है। उमाद वसीम पे तो कुछ और बात है। देखे ना वो आपको जो बात कहते हैं ना कि एक फियर होता है, वो भी स्पिनर है, खुद भी स्पिनर है, तो ये बड़ी काउंट करती है कि सर होल्ड ऑन। ओके सो कमेंटेटर्स ये भी कह रहे थे, अब मुझे समझ में आई वो बात कि शादाब हैज बीन इनसिक्योर इसीलिए वो स्पिनर्स को चांस नहीं देता, तो आई थिंक वो इमाद वसीम वाली बात ही शायद कर रहे होंगे जो हमें समझ में नहीं आई और मुझे अब समझ में आई है। Okay. हमें तो आ रही आपको थी। This is the game. रऊफ ये क्या बात है कि इमाद वसीम को पहले आप ओवर्स नहीं खिला रहे इनिशियल मैचेस में, अब आप देखें इम्पैक्ट लेके आए, कौन लाया इमाद वसीम?
देखिए जो उनकी कोच है ना, उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ उसमें कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बड़ा, क्योंकि उनकी टीम में दो यंगस्टर थे, उबैद शाह था, एक मैच उसको खिलाया, एक ओवर करवाया और उसके बाद उसको निकाल दिया। तो ये आप डेवलप कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, शामिल हुसैन 9 मैच हो गए हैं आपके बेंच पे बैठा हुआ, आप अभी अंडर 19 में परफॉर्म करके आया, आप हैदर अली जो कि कंसिस्टेंट फेलियर है उसका पिछले 4 साल से, आप उसको कंटिन्यूसली खिला रहे हैं, शामिल हुसैन को आपने 1 मैच नहीं खिलाया, तो अगर उसको खिलाया नहीं था फिर उसको पिक क्यों किया? इसका मतलब है कि ये जो माइक हसन है इनका फेलियर है एज ए कोच, और उसके बाद जो बयान दे रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फिर जहाँ तक सलीम भाई की बात है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो शादाब खान है ये अपने लिए वे आउट ढूंढ रहा है, पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के लिए इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और ये कंटिन्यूस पाकिस्तान टीम में भी शामिल है, इनकी वजह से पाकिस्तान ने एशिया कप पहले स्ट्रगल किया, फिर वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किया, और उसके बाद अब ये आगे T20 वर्ल्ड कप पे अपना बनाने के लिए इस टूर्नामेंट में इन्होंने वे आउट इसलिए ढूंढा कि जब आसान पिच आती थी और आसान कंडीशंस होती थी तो ये बैट उठा के बारी लेने चले जाते थे, जब थोड़ी सी डिफरेंट पिचेस आती थी, मुश्किल बॉलिंग अटैक आता था तो ये नंबर 6 पे चले जाते थे, और जो इनकी बॉलिंग है वो इस PSL में भी उतनी बदतरीन रही है जितनी इनकी पिछले वर्ल्ड कप और एशिया कप में थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को थोड़ा सा काफ़ी सोचेंगे, सोच विचार करने के बाद ही अगर इनको मौका दिया तो दोबारा कंसीडर करेंगे। जनाब ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए PSL ख़त्म होने वाला है ना, आज एलिमिनेटर है और आप देखते हैं कि इनमें से कौन जो है आज जीतता है, बिकॉज ये डू एंड डाई सिचुएशन है फॉर बोथ टीम्स, एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड और दूसरी जानब कोटा ग्लैडिएटर्स। हु आर यू वाचिंग फॉर? यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक। दिस इज मी सारा बलोच एंड आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी विल कंटिन्यू एंड कीप डिस्कसिंग अबाउट PSL सीजन 9। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Jinnab, Koina Gladiators, Jinnab, ballebazi ka jawab de rahe hain. Aur 11.5 overs mein, 6 wicketon ke nuksaan mein, they have scored just 79 runs. Jinnab, Umair Yusuf abhi tak khel rahe hain aur unka saath de rahe hain Mohammad Wasim, lekin Akil Hussain kaise out hue? आई वुड रिक्वेस्ट माई टीम अगर वो प्ले करके दिखा दें कि वो कैसे आउट हुए थे, लेकिन अकील हुसैन का आउट होना ये बड़ा मसला हो गया, अब तो इनके हाथ से ही मैच निकल गया है, जरा बात कीजिएगा इस पर। देखिए मेरा ख्याल कि अर्ली विकटें लूज कर चुकी थी क्वेटा की टीम, और उसके बाद बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप डेवलप हुई है इसमें अकील हुसैन और उमैर बिन यूसुफ की, और इतनी ज़्यादा एवरेज रिक्वायर्ड नहीं है, 10 पॉइंट समथिंग इनको रिक्वायर्ड एवरेज है, और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने एक आगाज़ दे दिया था क्वेटा को, मगर इस किस्म का रन आउट तो इसमें मेरा ख्याल है कि फॉल्ट जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन था उमैर बिन यूसुफ उसका है, और ये सिर्फ इस मैच में रन आउट नहीं हुआ बल्कि इस जो पहली इनिंग थी उसमें इमाद वसीम और हैदर अली दोनों रन आउट हुए हैं, ये इस मैच में तीसरा रन आउट है, और उससे पहले भी अगर आप मैचेस देखें तो हमारे जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन है जिस तरह बाबर आजम था, साइम अयूब, वो भी इस तरह बड़े इंपॉर्टेंट टाइम्स पर रन आउट होते रहे, तो मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा सा इस इशू को भी देखना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट टाइम्स पर जब आपकी टीम को आपकी ज़रूरत होती है और आप एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा बेहतर डिसीजन लेना चाहिए, और इस तरह के रन आउट से आप पूरे का पूरा जो गेम सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा जहाँ असल में रोफ सॉरी इसमें होता पता क्या है कि आप हमेशा जो हम बात करते हैं ना कि जब ये पाकिस्तान टीम में आते हैं या कोई ये जैसे ये लीग में आते हैं जो यहाँ आके ये सीखते हैं कि कॉल कैसे करनी है, क्योंकि आप नॉर्मली देखो कि इनके जब भाग रहे होते हैं ना इनको ये भी नहीं पता होता कि बैट किस हाथ में पकड़ना है, थ्रो करते हुए अगर आप देखो तो वो पूरा राउंड लेके थ्रो करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये कोचिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप देखो एक रन आउट से बाबर उस दिन रन आउट हुए, मेजर प्लेयर था, सारा मैच चेंज हो जाता है, तो ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट है ना ये यस नो जो है ना ये कॉल करते नहीं है, ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि वो अगर कहता है भागो तो भाग पड़ते हैं। आज भी ये देखें जो रन आउट हुआ है कि मतलब वो उसको बुलवा के, और मेरा ख्याल वो एक मुश्किल से हो रहा था उसने दूसरी रन लेने के लिए भागा, ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी मैटर करती हैं, और ये मैच में आपको पता है एक आउट आपको आगे लगा देता है, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है हमारी कोचिंग का हिस्सा हो। हम तो बहुत हमारे प्रैक्टिस करवाते थे जब पाकिस्तान के कैंप लगा, मगर अभी चूंकि लोग ऐसे आ रहे हैं कि वो एक मैच दो मैच खेले हुए हैं जो हम बार बार कहते हैं, तो ये लैग करते हैं फिर इन चीज़ों में। इसमें मैं एक बड़ी इसमें बात करूँ, इसमें बड़े खुद एक तो आपकी टीम पे प्रेशर डेवलप होता है, बल्कि ऑन सेल्फ आप पे बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि मैं साइम अयूब को मैंने देखा था न्यूजीलैंड में,
जो पहला इसको T20 मैच उन्होंने खिलाया था, उसने पहले ओवर में 12 रन इसने स्कोर किया था, 22 इसने महज 8 या 10 बॉलों पे 22 रन ये कर चुका था, और उस बड़े क्रूशियल टाइम पे ये रन आउट हो गया, और दोबारा पूरे 4 अगले गेम्स में ये वापस वो रिदम हासिल ही नहीं कर सका। मैं रऊफ, मैंने ना विव रिचर्ड को देखा है, मैं चूँकि उनके साथ बहुत खेला हूँ, तो वो कभी ना रिस्की रन लेते नहीं थे। इवन उसको तेंदुलकर को देख लो, ये लोग कभी रिस्की रन लेते ही नहीं थे, इसलिए कि उनके आउट होने से बड़ा फर्क पड़ता है ना टीम को, एकदम टीम का मोराल गिरता था। तो ये बड़ी स्कोर भी मैंने इनको बहुत दफा देखा मिस करते हुए, ये स्कोर नहीं लेते थे। जनाब बहुत सारी बातें हैं, मैच स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन एकदम वन साइडेड मैच हो चुका है। मैं कमेंटेटर्स को सुन रही थी, उनका एक कहना और था, आई रिमेम्बर जब कैप्टनसी चेंज हुई सरफराज की, राजरोसू ने जब संभाली तो हमें कुछ चेंजेस नजर आए, लेकिन आज कमेंटेटर्स यानी वो कहते हैं ना एकदम से यू टर्न भी हो जाता है, दोबारा से यू टर्न आ गया कि भाई सरफराज को वापस देके आए नेक्स्ट सीजन के लिए। सर ये एक अजीब एक बात जो है दोबारा से, आई डोंट नो हाउ फ्रूटफुल इट इज, लेकिन ऑफकोर्स पाकिस्तान का कैप्टन आएगा वो अच्छा लगेगा। इस पर कल हम डिस्कशन जरूर करेंगे। सारा बलोच साइनिंग आउट, जनाब किस्मत जो है ना वो साथ नहीं दी एक बार फिर कोटा ग्लैडिएटर्स के हक में, फैसला नहीं हो सका। It is a one-sided match, but anyways, kal milte hain. We'll have more discussions. Keep watching 24 News. This is me, Sara Baloch, signing out. Jaate jaate, ek baar phir kahenge, milke ek saath, Pakistan, Zindabad.